सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इक्वली लाइकली इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड प्रायोरिटी को भी डिफाइन करूंगा, साथ में कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं प्रायोरिटी थ्योरी का एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, आप आई बटन प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में बता रहा हूं, जरा इसको समझिए क्या होता है कि ये सेट ऑफ इवेंट्स आर सेट टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स व्हेन द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नॉट ग्रेटर देन और लेस देन दोज ऑफ एनी अदर। क्या है कि एक सेट ऑफ इवेंट्स है, 2, 3, 4, 5 से इवेंट्स का कोई सेट है और उस सेट ऑफ इवेंट्स को हम लोग कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। कब कहेंगे? When the chances of happening of an event, कोई भी एक घटना घटने का जो चांस है is not greater than or less than those of any other। तो किसी भी एक घटना घटने का जो चांस है वो बाकी किसी से भी ना तो उसका चांसेस कम है और ना ही ज़्यादा है। जैसे सपोज कीजिए आप किसी क्वाइन को टॉस करते हैं, तो क्वाइन को टॉस करने पर हेड आने का जितना चांसेज है उतना ही चांसेज टेल आने का है। हेड आने का चांसेज जो है वो ना तो टेल आने के चांसेज से बड़ा है और ना ही उससे छोटा है। तो हेड आने का चांसेज और टेल आने का चांसेज जो है वो इक्वली लाइकली है, मतलब दोनों का इक्वल है। तो ऐसे दो इवेंट्स को हम लोग कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे अगर किसी पासे को फेंकते हैं तो पासे में 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, तो जितना 1 आने का चांसेज है उतना ही 2 आने का चांसेज है, उतना ही 3 आने का चांसेज है, उतना ही 4, 5 या 6 आने का चांसेज है। किसी भी एक घटना का, मान लीजिए 1 ही है, यहाँ पर 6 इवेंट्स है, ये अलग अलग 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का सभी को अलग अलग इवेंट मान लीजिए, तो इस घटना घटने का, इस इवेंट को होने का जितना चांसेज है उतना ही चांसेज 2 का भी है, उतना ही चांसेज 3 का भी है, या उतना ही चांसेज अदर का भी है। तो किसी भी एक घटना घटने का चांसेज दूसरे घटना घटने के चांसेज से ना तो ज़्यादा है ना ही कम है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको कहते हैं, जरा ये देखिए। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ दे अकर्स ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ द अदर। टू इवेंट्स हम लोग ले रहे हैं ए और बी, इसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ द अदर। कोई भी एक घटना जो घटता है वो दूसरे घटना को फिर घटने से रोक देता है, यानी कि एक घटना अगर घटेगा तो दूसरा घटना नहीं घटेगा, यानी कि दे कैन नॉट देयर फोर अकर साइमल्टेनियसली। वो दोनों इवेंट्स जो है वो एक साथ अगर नहीं हो, कोई भी दो इवेंट ए और बी ले रहे हैं, वो अगर दोनों इवेंट एक साथ अगर नहीं होता है, यानी अगर एक होता है तो दूसरा नहीं होगा या दूसरा होता है तो पहला नहीं होगा, अगर ऐसा कोई दो इवेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जाम्पल से समझिए, अगर हम लोग एक पासे को फेंकते हैं, इफ ए डाई इज थ्राउन देन सिंपल स्पेस क्या होगा? सिंपल स्पेस आप जानते हैं पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ रहा है। सपोज कीजिए एक इवेंट ए है, इवेंट क्या होता है, सिंपल स्पेस के इस सबसेट को इवेंट कहते हैं। सपोज कीजिए 1 और 3 आने की घटना जो है वो ए है, और दूसरा इवेंट हम लोग बी लेते हैं 2, 4 और 6 आने का इवेंट। तो आप देखिए, अगर हम लोग पासे को फेंकते हैं 1 आ रहा है तो ए इवेंट हो रहा है, बी नहीं हो रहा है, और अगर 2 आया तो 2 आ रहा है मतलब बी इवेंट हो रहा है और ए इवेंट नहीं हो रहा है, 3 आया तो ए इवेंट होगा, इसी तरीके से 4 या 6 आया तो बी इवेंट होगा और 5 आ गया तो इस दोनों में से कोई नहीं होगा। तो क्या ये दोनों इवेंट एक साथ हो सकता है? कोई ऐसा रिजल्ट आएगा ताकि ये दोनों इवेंट एक साथ हो जाए? सपोज कीजिए 1 ही अगर आ रहा है तो सिर्फ इवेंट ए हो रहा है, बी नहीं होगा, और अगर 2 आया तो बी हो रहा है, ए नहीं हो रहा है, इसी तरीके से 3 आया तो सिर्फ ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा है। तो कभी भी ये दोनों इवेंट जो है वो एक साथ नहीं होगा।
तो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसमें से दो इवेंट जो है वो कभी भी एक साथ नहीं हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए और बी का आप इंटरसेक्शन अगर निकालते हैं तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अगर दो सेट, दो इवेंट्स ले रहे हैं ए और बी, अगर इसका इंटरसेक्शन फाई हो जाए, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ दो के बारे में लिखे हैं, इसी तरीके से दो से अधिक भी हो सकता है। सपोज कीजिए E1, E2, E3, डॉट डॉट EN, ये सभी इवेंट है, इसको हमको सभी को कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कब कहेंगे? जब ये इसका इंटरसेक्शन, ये सभी का आप इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? फाई होना चाहिए, यानी कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी दो इवेंट जो है वो एक साथ कभी भी नहीं होगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक इवेंट अगर है तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहेंगे जब सभी का इंटरसेक्शन जो है, यानी कि इंटरसेक्शन फाई हो जाए, यानी कि उसमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जस्टिव इवेंट्स। एग्जस्टिव इवेंट्स क्या होता है कि ये सेट ऑफ इवेंट्स इज सेट टू बी एग्जस्टिव इवेंट्स। कुछ इवेंट्स का सेट है उसको हम लोग एग्जस्टिव कहेंगे। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो ऑलवेज रिजल्ट इन द अक्रेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो कुछ जो सेट ऑफ इवेंट्स जो है, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट को करते हैं, एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, इसी इवेंट में से कोई एक अगर आ जाए तो वैसे सेट ऑफ इवेंट्स को हम लोग कहेंगे एग्जस्टिव। यानी जब भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो इसी इवेंट्स का जो सेट है, उसी इवेंट्स, सेट ऑफ इवेंट्स में से कोई एक इवेंट हो जाना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स को हम लोग कहेंगे एग्जस्टिव इवेंट्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दस इफ ये सेट ऑफ इवेंट्स, मान लीजिए E1, E2, E3, डॉट डॉट EN, ये सभी जो है वो इवेंट्स है, आर सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस। ये सिंपल स्पेस का सबसेट है, इवेंट है तो जरूर ये सिंपल स्पेस का सबसेट होगा। तो दे आर सेट टू बी एग्जस्टिव, ये सारे को एग्जस्टिव कहेंगे अगर ये सभी का यूनियन करने के बाद किसके बराबर हो जाए? S के बराबर। अगर कुछ नंबर ऑफ इवेंट्स है तो वो सारे का यूनियन करने के बाद अगर वो सिंपल स्पेस आ जाए तो वैसे इवेंट्स को हम लोग कहेंगे एग्जस्टिव इवेंट्स। जब किसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसमें जितने भी रिजल्ट आते हैं, सारे रिजल्ट को हम लोग एग्जस्टिव इवेंट्स कहेंगे, क्योंकि सभी का यूनियन कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? एस के बराबर। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। सपोज कीजिए किसी पासे को ही फेंकते हैं, तो पासे को फेंकने पर जो सिंपल स्पेस आता है ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आता है। हम लोग एक इवेंट लेते हैं E1, E1 में लेते हैं 2 और 4 आने की घटना। E2 एक इवेंट लेते हैं, E2 लेते हैं 2, 4 और 6 आने का। और E3 एक इवेंट लेते हैं जिसमें 1 है, 3 है और 5 है। तो आप देखिए कोई भी, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब हम लोग पासे को फेंक रहे हैं, तो पासे को फेंकने पर ये तीनों में से कोई एक घटना जरूर घटेगा। अगर 1 आ जाता है तो 1 आता है तो E3 होगा, 2 आता है तो E1 और E2 दोनों होगा 2 आने पर, या 3 आता है तो E3 होगा, 4 अगर आता है तो ये दोनों होगा, 5 आता है तो E3 होगा और 6 आता है तो E2 होगा। तो कम से कम एक जो इवेंट है, अगर हम लोग पासे को फेंकते हैं तो कम से कम इस तीनों में से एक घटना जरूर घटता है। अगर ऐसा हो तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं एग्जस्टिव इवेंट्स। और दूसरा तरीका आप ये देख सकते हैं कि इस केस में अगर तीनों का यूनियन निकालिए, E1 और E2 और E3 का, तो तीनों का यूनियन में सारा एलिमेंट लिख जाएंगे, 1, 2 भी है, 3 भी है, 4, 5 और 6। तो आप देखिए ये किसके बराबर आ गया? सिंपल स्पेसेस के बराबर आ गया। यानी अगर दो या दो से अधिक इवेंट है और उसका यूनियन करने के बाद अगर सिंपल स्पेस आ जाए तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं एग्जस्टिव इवेंट्स। अब दो चीज़ मैं बता चुका हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जस्टिव। अगर दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जस्टिव, तो किसको कहेंगे? दो इवेंट ऐसा लेना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जस्टिव भी हो। जैसे आप सपोज कीजिए इसी में पासे को फेंक रहे हैं,
तो पासे को फेंकने पर मान लीजिए ऑड नंबर आने का जो इवेंट्स है वो ए है और इवन नंबर आने का इवेंट्स जो है वो बी है, 2, 4, 6 आने का इवेंट बी है, तो आप देखिए ये दोनों घटना एक साथ कभी नहीं घट सकता है। या तो पासे को फेंकेंगे तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, ऑड और इवन एक साथ कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के बराबर है, कोई भी कॉमन नहीं है, और इसका यूनियन अगर करेंगे ए यूनियन बी तो सारा एलिमेंट आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो एस के बराबर आ गया। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया और एग्जस्टिव भी हो गया, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जस्टिव इवेंट्स। तो कहीं कहीं जरूरत भी पड़ता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जस्टिव इवेंट के बारे में, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जस्टिव क्या होगा, वहाँ पर दोनों चीज़ होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई भी होगा और एग्जस्टिव भी होगा यानी कि दोनों का यूनियन जो है वो एस के बराबर होगा। तो ये दो चीज हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जस्टिव। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स। लेट एस बी द सिंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ए वी एन इवेंट एसोसिएटेड विथ द एक्सपेरिमेंट। सिंपल स्पेस मान लेते हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सिंपल स्पेस एस है और ए कोई भी अगर इवेंट है, देन एलिमेंट्री इवेंट बिलोंगिंग टू ए। अब ये जो इवेंट है इसमें जितना भी एलिमेंट्री इवेंट होता है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, जब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो जितने भी आउटकम्स मिल सकते हैं प्रत्येक आउटकम्स को कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। जैसे अगर किसी डाई को, किसी पासा को अगर फेंकते हैं तो पासा को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 नंबर्स मिल सकते हैं, तो ये प्रत्येक नंबर को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट्स कहेंगे यानी कि टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएगा जब पासे को फेंकेंगे तो 6 होगा। तो एलिमेंट्री इवेंट्स बिलोंगिंग टू ए, ये जो इवेंट है इस इवेंट में जो भी एलिमेंट्री इवेंट बिलोंग कर रहा है आर नोन एज फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स टू द इवेंट ए। तो देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए हम लोग पासे को ही फेंक रहे हैं तो पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सभी मिल सकता है, ये प्रत्येक जो है एलिमेंट्री इवेंट है। सपोज कीजिए इवन नंबर आने की इवेंट जो है वो ए है, इवन नंबर यानी कि 2, 4, 6 अगर आता है तो इवन नंबर आ जाएगा। तो इस इवेंट में जो भी नंबर बिलोंग कर रहा है, जो भी नंबर इस इवेंट में है उस सभी को एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे यानी 2, 4 और 6 जो है वो ए का फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट हो गया। ए का फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट कौन सा हो गया, जो भी ए में बिलोंग कर रहा है उस एलिमेंट को हम लोग कहेंगे ए का फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। यानी ए का फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट कितना हो गया, 2b 4b और 6b यानी कि 3a एलिमेंट्री इवेंट जो है वो ए के फेवर में है। यानी कि ए घटना कब घटेगा, जब ये सब एलिमेंट आता है तो ए घटना घटेगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट या फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए। अब मैं प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहा हूँ, डिफिनेशन हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो दो तरह का डिफिनेशन होता है, एक क्लासिकल और मैथमेटिकल डिफिनेशन होता है और एक स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल डिफिनेशन होता है। तो सबसे पहले मैं क्लासिकल और मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात करता हूँ, ज़्यादातर यही डिफिनेशन यूज होता है। तो इसके बारे में देखिए, इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो टोटल एन एलिमेंट्री इवेंट्स है और एम ऑफ देम आर फेवरेबल टू एन इवेंट ए और ए इवेंट के फेवर में एन एम एलिमेंट्री इवेंट्स है, टोटल एन एलिमेंट्री इवेंट्स और इवेंट ए के फेवर में एम एलिमेंट्री इवेंट है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। तो ए इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से इस तरीके से, एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो एम बाय एन। एम क्या है, ए के फेवर में जितना एलिमेंट्री इवेंट है ऊपर में लिखा हुआ एम, और जो नीचे है एन वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट है। तो ए घटना घटने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, अक्रेंस ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट ए इज डिफाइंड एज एम बाय एन। एम क्या है, एम है फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स
और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स से डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो आएगा दैट रेशियो इज सेट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट ए। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए किसी पासे को ही फेंक रहे हैं तो पासा में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आता है। अब हम लोग एक इवेंट ए मानते हैं जो इवन नंबर आने का इवेंट है 2, 4, 6। अब इस घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स लिखेंगे। तो इसके फेवर में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स है, 3। 2 आता है तो भी ये घटना घटेगा, 4 आता है तो भी, 6 आता है तो भी, तो इसके फेवर में 3 एलिमेंट्री इवेंट्स है तो ये 3 ऊपर में हो जाएगा। और किसी भी पासे को फेंकेंगे तो टोटल 6 एलिमेंट्री इवेंट्स होता है, 1 से लेकर 6 तक हो सकता है, तो ये 6 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2। यानी अगर हम लोग पासे को फेंकते हैं तो सम संख्या आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, 1/2। सपोज कीजिए एक दूसरा इवेंट है बी, 3 से कम नंबर आने का इवेंट है, तो 3 से कम नंबर कब आएगा, जब 1 या 2 आ जाए। 1 और 2 अगर आता है तो 3 से कम आ रहा है, तो ये घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 2 है, यहाँ पर 1 और 2 यही दो फेवर में है इसका, तो 2 फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हो गया और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 6 है, यानी इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3। तो इस तरीके से ये डिफिनेशन जो हम लोग अभी डिफाइन किए हैं इसको क्लासिकल या मैथमेटिकल डिफिनेशन कहते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ देखते हैं। अभी मैं बता रहा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स n है और a इवेंट्स के फेवर में कितना एलिमेंट्री इवेंट्स है, m है, तो निश्चित रूप से m का वैल्यू n से कम होगा। जैसे आप इसी एग्जांपल में देखिए, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 6 है और इस इवेंट के फेवर में कितना है, 3 एलिमेंट्री इवेंट्स है। इस इवेंट के या कोई भी अगर इवेंट लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें के फेवर में कितना आ सकता है, 6 आ सकता है, इससे जो तो ज़्यादा कभी नहीं आएगा, जितना इसमें है उस ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही संख्या हो सकता है। तो m का वैल्यू निश्चित रूप से n से कम होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं ये नेगेटिव भी नहीं होगा, इसके फेवर में कम से कम 0 इवेंट होगा या फिर उससे बड़ा ही होगा और n से कम होगा। अब n से प्रत्येक साइड डिवाइड कर दीजिए, तो n से प्रत्येक साइड डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो m बाय n और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1, और ये 0 आप रहने दीजिए, m बाय n जो है वो a का प्रोबेबिलिटी बता रहा है लेस देन इक्वल टू 1। तो किसी भी घटना घटने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से 1 तक ही होता है, 0 से कभी भी छोटा नहीं होगा, 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा, 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट, आप जानते हैं इम्पॉसिबल इवेंट पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं फाई को, तो फाई के फेवर में कितना एलिमेंट्री इवेंट होता है, फाई में कोई भी एलिमेंट्री इवेंट नहीं होता है, फाई तो बिल्कुल खाली रहता है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी इसके फेवर में 0 एलिमेंट्री इवेंट। और यहाँ पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट n, मान लीजिए n है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, तो 0/n मतलब 0 हो गया, यानी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होता है। और एक श्योर इवेंट के बारे में मैं बताया था कि s के बारे में, तो ये श्योर इवेंट है, तो श्योर इवेंट का फेवर में कौन सा एलिमेंट्री इवेंट आएगा, सारा एलिमेंट्री इवेंट जो है वो श्योर इवेंट के फेवर में आ जाएगा, तो ऊपर भी n हो जाएगा और नीचे भी n होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स भी n होगा और इसके फेवर में सारा एलिमेंट्री इवेंट्स आ जाता है। जैसा आप अगर इसी की बात करते हैं तो इसके फेवर में कितना एलिमेंट्री इवेंट है, 6 का 6 है पूरा कंप्लीट, तो जितना भी टोटल एलिमेंट्री इवेंट है सभी इसके फेवर में रहेगा, तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है और किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये कुछ रिजल्ट हो गया, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद जो होता है वो इम्पेरिकल डिफिनेशन होता है या स्टेटिस्टिकल डिफिनेशन होता है, तो जो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।